अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज हम दो दरिया जाएंगे और वहाँ पर अफ्तारी करेंगे और वहाँ के जो लहरें आएंगी और टकराएंगी और जो एक सिनेमेटिक सा एक व्यू होगा वो भी आपको दिखाएंगे और जो इन्जॉयमेंट हम करेंगे हम आपको वो भी दिखाएंगे। मेरे साथ आज मेरे चंद दोस्त हैं, मौजूद हैं, मैं आपसे आपको उनसे मिलवाता हूँ। अमान भाई, आप मेरे पहले व्लॉग में इसको देख चुके होंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। चलें चल गए। और अभी मैं आपको मारूफ शख्सियत तुर्रम खान से मिलवाने गया। एंबेसडर की बेटी। सलाम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बोल अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उन्हें बोल अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और इसके साथ साथ हमारे साथ हैं सोडा भाई। चल सलाम तो कर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। और इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं हमारे कारी साहब वली वलीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो ये हमारे दोस्त हैं जिनके साथ अभी हम जाएंगे अफ्तारी करने के लिए और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं आज सड़क के बीच में जिशान का, और वो भी जिशान आएगा उसके साथ हम जाएंगे दो दरिया। रास्ता थोड़ा सा भटक गए थे इसलिए हम रास्ते में पार्क में रुक गए और अफ्तारी में महज 5 मिनट रह गए। और ये पीछे तमाम हजरात हमारे अफ्तारी की तैयारियां कर रहे हैं जबकि मैं थोड़ा अपना ब्लॉग कंप्लीट कर रहा हूं। इसके साथ साथ आज मुझे इंतहाई का रोज़ा लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ है मुझे, लेकिन रोज़ा मुझे बड़ा लग रहा है। और ये लोग भी परेशान है कि रोज़ा तुझे लग रहा है तो अपने लिए लग रहा है, हम पर गुस्सा ना कर, ब्ला ब्ला ब्ला। और अभी बस इंतज़ार हो रहा है कि यहाँ पे अजान की आवाज़ आ जाए, नहीं तो 7:05 पे तो हमने ऐसे ही तोड़ देना है रोज़ा। ठीक है, खोल लेना है। तो अफ्तारी हमने कर ली है और यहाँ पे दो दरिया पर आकर दो दरिया पे पार्क में हम आ गए हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा पुरसकून माहौल है। और अभी पीछे अफ्तारी होकर ये लोग अपनी तफरियाँ कर रहे हैं। अच्छा क्लियर आ रहा है? हाँ। तो हम अफ्तारी कर चुके हैं और अफ्तारी के बाद झूठ बोल रहा है, मेरी रखी अभी झूठ बोल रहा है। तू ये क्यों कर रहा है? लोग अपनों में ईद मनाने के लिए पेशावर जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी शहर में। अरे भाई ये साइड बैठा, अरे वो साइड बैठा, चल चल तू सब में आगे से जाऊंगा। अच्छा तो अफ्तारी हम कर चुके हैं और अभी हम जाकर वजू करेंगे। अभी हम वजू करेंगे और वजू के बाद हमने चूंकि असर की नमाज भी नहीं पढ़ी, अभी हम असर की नमाज भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे। और क्योंकि सिर्फ रोज़ा रखने मकसूद नहीं होता बल्कि तमाम नेक अमाल जो हैं इबादत हैं वो भी पूरी। झूठ बोल रहा है, इसने असर की भी नमाज नहीं पढ़ी, जोर में ये लेकर और बोलते हैं असर में, यार रास्ते में चलते चलते पढ़ लेंगे इसको पता चल नमाज। और अभी मगरिब का टाइम है, अभी मगरिब का टाइम है, वीडियो बना रहे, ये नहीं कि वहाँ दूर चले जाए, इसको पता है मगरिब का वक्त कम होता है। अफ्तारी हो चुकी है और अभी हम नमाज पढ़ेंगे। इसके आज के लिए इतना ही था, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।